दोस्तों अगर आप भी सुनील नारायण और ऋषभ पंत की तूफानी पारी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिल्ली के खिलाफ कोलकाता की जीत के बाद झूम उठे आईपीएल के दिग्गज। कोलकाता के खिलाड़ियों की तारीफ करने के साथ दिल्ली के खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए दे दिया हैरान कर देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली और कोलकाता के बीच खेले गए मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद आईपीएल के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस दौरान सुरेश रैना, किरण पोलार्ड से लेकर लसित मलिंग, हरभजन सिंह ने ऐसा बयान जीत के बाद जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार आईपीएल के दिग्गजों ने कोलकाता की जीत के बाद क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सुनील नारायण और आंद्रे रसेल में कौन है खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और दिल्ली के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिल गई है। इस मैच में कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 272 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करते हुए दिल्ली की टीम ने 166 रन ऑल आउट होकर 17.2 ओवर में बना दिए और कोलकाता की टीम 106 रन से इस मैच को जीत गई। इस दौरान कोलकाता की टीम के जीत के हीरो सुनील नारायण रहे, जिन्होंने 39 गेंद पर 85 रन का सर्वश्रेष्ठ योगदान बल्लेबाजी के जरिए दिया। तो वहीं गेंदबाजी में वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक 3-3 विकेट लिए। ऐसे में अब कोलकाता की शानदार जीत के बाद आईपीएल के तमाम दिग्गजों का हैरान कर देने वाला बयान आया है, जिसमें लसित मलिंगा ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में कोलकाता की टीम की जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। जिस प्रकार से कोलकाता की टीम की तरफ से सुनील नारायण ने आज बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए ओपन करने के साथ दिल्ली की टीम को मैच में पूरी तरह से बाहर कर दिया, वो बताता है कि ये खिलाड़ी टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि सुनील नारायण का जिस तरीके से इस्तेमाल कोलकाता ने एक बार फिर से किया, उसके बाद मुझे लगने लगा है कि कोलकाता की टीम को अब चैंपियन बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कोलकाता की टीम ने अपने सभी खिलाड़ियों को बेहतर रोल अब दे दिया है, जिसके चलते कोलकाता की टीम काफी मजबूत अब हो गई है। तो वहीं किरण पोलार्ड ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में कोलकाता की टीम की तरफ से जिस प्रकार से सुनील नारायण, रिंकू सिंह और रसेल की तूफानी बल्लेबाजी रघुवंशी के साथ देखने को मिली, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि अगर T20 क्रिकेट में किसी टीम की हार्ड हिटिंग सबसे ज्यादा बेहतरीन इस आईपीएल में लग रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता की टीम है, क्योंकि कोलकाता की टीम अगर इस समय तूफानी बल्लेबाजी करने में प्रारंभ हो जाए तो लगातार उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जो बताता है कि कोलकाता की टीम के पास काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि कोलकाता को अब चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वहीं सुरेश रैना ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। जिस प्रकार से कोलकाता की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में सुनील नारायण, रघुवंशी, रसेल और रिंकू सिंह के दम पर इतना मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया, इसके बाद सामने वाली टीम मैच में टिकने के लिए ही मैदान पर उतर पाती है, क्योंकि टीम के पास इतने ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो कोलकाता की टीम के पास मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम की बल्लेबाजी उनकी ताकत है और जिस प्रकार से कोलकाता के बल्लेबाजों ने मैदान पर तहलका मचाया है, वो बताता है कि कोलकाता की टीम इस बार के आईपीएल में चैंपियन बनने की तरफ अब अग्रसर हो चुकी है। तो वहीं हरभजन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में कोलकाता की टीम की तरफ से सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली है। जिस प्रकार से तीनों ने लगातार छक्के और चौके की बारिश करते हुए मैदान में चारों तरफ कहर बरसाया था, उसी के चलते कोलकाता की टीम को जीत मिल गई। हालांकि कोलकाता की टीम की शानदार बल्लेबाजी के बाद दिल्ली की टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की टीम के खिलाफ कोलकाता की टीम ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी सभी का प्रभावित किया, वो बताता है कि इस समय कोलकाता की टीम आईपीएल की सबसे मजबूत टीम है। ऐसे में बाकी टीमों को कोलकाता से बचकर रहने की जरूरत है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मैच में दिल्ली की टीम की हार का बड़ा कारण क्या रहा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और दिल्ली के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिल चुकी है, जहां पर इस मैच में कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 272 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर कोलकाता की टीम की तरफ से सुनील नारायण 85, रघुवंशी ने 54 रन बनाए, वहीं आंद्रे रसेल ने 41 और रिंकू सिंह ने 26 रन बनाने के साथ 273 रन का लक्ष्य दिल्ली की टीम को दे दिया। हालांकि दिल्ली की टीम ने पावर प्ले के अंदर 33 रन के स्कोर पर 4 विकेट दे दिए और दिल्ली की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में दिल्ली की हार के बाद बल्लेबाज रिंकू सिंह का दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया है, जिसमें रिंकू सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने का मौका मिला है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि इस मैच में कोलकाता की टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। जिस प्रकार से कोलकाता की टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है और हमारी टीम के गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की है, उसके चलते मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि अगर इस मैच के अंदर कोलकाता की टीम की तरफ से सभी प्लेयर्स बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करते तो शायद कोलकाता की टीम को इस मैच के अंदर जीत नहीं मिल पाती। हालांकि सभी खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से टीम को बेहतर प्रदर्शन करने का पूरा कार्य कर दिया, लेकिन दिल्ली की टीम की परफॉर्मेंस भी इस मैच के अंदर काफी ज्यादा खराब रहा है। मुझे लगता है कि दिल्ली की टीम भी अगर इसमें बेहतर प्रदर्शन करती तो शायद दिल्ली के सामने कोलकाता की टीम 200 रनों का आंकड़ा भी छू नहीं पाती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में कोलकाता की टीम की तरफ से जिस प्रकार से मैंने तूफानी पारी खेली है और स्कोर कार्ड को 250 रन तक पहुंचाया है, उसके बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं और इस तूफानी पारी के पीछे विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है, क्योंकि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसी तरीके से मैंने भी अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का जिम्मा उठाया है। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं और अपने अकेले के दम पर टीम को जीत दिला सकता हूं। हालांकि इस मैच में हमारी टीम को सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के दम पर जीत मिली है, लेकिन मैं जिस प्रकार से बेहतर बल्लेबाजी कर रहा हूं, अगर इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करता रहा तो मुझे विश्वास है कि मैं
क्या विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी की तरह टीम में जीत दिला सकता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कोलकाता की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने थी। इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए खलील अहमद और इनका स्वागत पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने चौका लगाकर किया। उसके बाद खलील अहमद ने बेहतरीन वापसी की और केवल 3 रन दिए, यानी कि कोलकाता पहले ओवर में केवल 7 रन बना पाई। वहीं दिल्ली के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए ईशांत शर्मा और उसके ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे सुनील नारायण तो दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे, लेकिन तभी टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्जी ने अपने ओवर की 3री गेंद पर फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को पहला विकेट मिल गया। फिलिप सॉल्ट 12 गेंद पर 18 रन बनाकर शानदार चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद सुनील नारायण का साथ देने के लिए मैदान पर रघुवंशी आए। ये दोनों बल्लेबाज भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रघुवंशी का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं देखते ही देखते सुनील नारायण ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 21 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। मैदान पर जबरदस्त तांडव मच रहा था। अपनी टीम के स्कोर को 7.3 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला नहीं रुका। 10 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 135 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 60 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। वहीं रघुवंशी भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। 11 ओवर में टीम के स्कोर 150 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। दिल्ली के गेंदबाजों की इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धज्जियां उड़ाकर रख दी। चौके और छक्कों की विशाखापट्टनम के मैदान पर केवल बारिश हो रही थी, लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए मिचेल मार्श और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 3री गेंद पर सुनील नारायण की पारी का अंत कर दिया। सुनील नारायण 39 गेंद पर 85 रन 7 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके की मदद से बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता को दूसरा झटका 164 रनों के स्कोर पर लग गया। इसके बाद रघुवंशी का साथ देने के लिए आंद्रे रसेल आए और आते ही उन्होंने मिचेल मार्श का स्वागत छक्के के साथ किया, लेकिन टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्जी ने अपने इस ओवर की 2री गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से रघुवंशी 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और कोलकाता नाइट राइडर को 176 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। अब रसेल का साथ देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 15 ओवर में कोलकाता का स्कोर 195 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 18 ओवर लेकर आए खलील अहमद ने इसी ओवर में श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अय्यर 11 गेंद पर 18 रन बनाकर 2 गगनचुंबी चौकों की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद रसेल का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आए। आते रिंकू सिंह ने एनरिक नॉर्जी को 19 ओवर में जमकर क्यूट दिया। इस ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। यह नजारा देखकर तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन इसी ओवर में अपना विकेट दे बैठे 8 गेंद में 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आंद्रे रसेल मैदान पर टिके हुए थे। दिल्ली की तरफ से अंतिम ओवर फेंकने आए ईशांत शर्मा। आते ही उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर रसेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और रसेल 19 गेंद में 3 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंत में वेंकटेश अय्यर और मिचेल स्टार्क ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ओपनिंग करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ, ये दोनों बल्लेबाज भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क को 2 शानदार चौके जड़कर इस ओवर से 11 रन बटोर लिए। वहीं दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और उनका स्वागत डेविड वार्नर ने अपने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वार्नर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दिल्ली का भी स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ को वैभव अरोड़ा ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी और 21 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लग गया। और अब वार्नर के साथ देने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श आ चुके थे। वहीं टीम के लिए 3रा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क और पहली गेंद पर चौका मिल गया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिशन स्टार्क ने मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 26 रनों के स्कोर पर दिल्ली को 2 विकेट गिर गए। कोलकाता की टीम पूरी तरह से मैच में हारी नजर आ रही थी और जीत की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 26 रन बन पाया था। 4th ओवर लेकर आए टीम के सबसे बड़े फिर वैभव अरोड़ा आते ही उन्होंने इस बार अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक लॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 27 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। पूरी टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। 4 ओवर में 27 रन केवल दिल्ली का बन पाया था। केवल एक तरफ से वार्नर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान ऋषभ पंत आए, लेकिन अब तक डेविड वार्नर मिचेल स्टार्क के शिकार हो गए। 13 गेंद पर 18 रन बनाकर वार्नर भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। दिल्ली कैपिटल्स मुश्किल में आ गई। 33 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। कप्तान पंत और ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी कर रहे थे, संभल संभल कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली का स्कोर 4 विकेट पर 51 रन बन पाया।
इसके बाद भी दिल्ली के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए कोलकाता नाइट राइडर की घातक गेंदबाजी के आगे। सभी बल्लेबाज घुटने टेक बैठे और कोलकाता नाइट राइडर इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर ले गई। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अपनी टीम को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल में कौन सी टीम बनेगी इस बार आईपीएल की चैंपियन? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।